तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ये अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो के ऊपर ही है और मतलब टाइट स्पेस पार्किंग के से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये जो गेट है मेन गेट है हमारे घर का ये लगभग 9 फीट का है और इसमें हम स्कॉर्पियो कैसे पार्क करते हैं इस पोर्च में, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूं कि कैसा क्या कुछ स्पेस है, फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये तो आप देख सकते हैं पोर्च है, ठीक है, और इस पोर्च से हम जैसे इस साइड देखते हैं तो आप गेट देख सकते हैं और गेट के बाहर जो कार है वो आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ तो ये कुछ पार्किंग स्पेस है अपना, ठीक है, और ये गेट जो है लगभग 9 फुट का है, अंदर पार्किंग स्पेस है और ये अपनी कार है। इसकी विड्थ भी लगभग 7 फुट कुछ है और शायद ये जो ORVM है इनको मिला के 8 फुट में आती है इसकी विड्थ। तो अभी क्या करते हैं, ORVM भी ओपन रखेंगे और इसको अभी अंदर करते हैं, तो पहले हम गेट खोल लेते हैं। तो गाइस ऐसी कंडीशन में जहाँ आपके पास स्पेस कम है तो आपको पहले इंश्योर करना है कि आपके जो गेट हैं दोनों वो फुली ओपन हो, तो ये वाले इसे इसके पीछे थोड़ी पाइप आ जाती है तो ये अच्छे से निकल रहा, बाकी वो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट है और ये भी मतलब लगभग इतने में कार अपनी आराम से आ जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम कार को पीछे लेके आ चुके हैं, जैसे आपको पता होगा पहले वहाँ थी, तो अभी हम इस गेट के अंदर जो हमें कार को लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, जो ये आप देख रहे हैं जो मतलब गमला सा बना रखा है इसके पास से जो सीमेंट की लाइनिंग है ये वाली, इसके ऊपर से हम इसको लेके जाएंगे पूरा ऐसे टर्न करके, मतलब पूरा लेफ्ट से जितना उसके, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी फर्स्ट गियर में लेंगे हम, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं पहले इसको थोड़ा लेफ्ट में करके जजमेंट के हिसाब से, मतलब जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है अपनी कार का ये उसके बिल्कुल पास से जाना चाहिए, आपको दिखा देता हूँ मैं अब। तो ये स्टेयरिंग मैंने पूरा लेफ्ट में कर रखा है और आप देख सकते हैं कितना मतलब गैप है यहाँ, और इससे हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे और पूरा फिर इसको एकदम से राइट टर्न कर देंगे पूरा घुमा के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं आप जो लेफ्ट कॉर्नर है उसके आगे ये जो मतलब जाली टाइप की लगा रखी है ये आ गई है और इसको हमें जज करना है कि कितनी दूर हो सकती है, बाकी वो आपको अपने कार के हिसाब से आ जाएगी जजमेंट। तो मैंने फुल जो है राइट में टर्न कर रखा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके हिसाब से हम इसको थोड़ी और आगे लें क्योंकि हमें गेट में यहाँ अंदर लेके जानी है कार, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे मतलब जजमेंट लेके आगे निकालेंगे कार को, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी मतलब क्लोज आ गई है इस साइड से और लेफ्ट से भी आप देख सकते हैं मतलब वो जाली दिख नहीं रही है, तो मतलब अपना हो गया है इस साइड, मतलब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। अब हम रिवर्स लगाएंगे, ठीक है, रिवर्स लगा के हम स्टेयरिंग को पूरा लेफ्ट में टर्न कर देंगे, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स लेके जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैमरे की हेल्प से हम इसको रिवर्स लेंगे और जो लेफ्ट कॉर्नर है जो ज़्यादा बाहर की साइड है उससे हम पीछे उस गमले को देख के रिवर्स लेंगे। तो अभी करते हैं स्टार्ट, स्टेयरिंग मैंने पूरा अपना लेफ्ट में कर रखा है और ये आप देख सकते हैं इसमें भी, तो ये अपनी इतनी रिवर्स बहुत होगी। अगर आपको इस अच्छी जजमेंट आती है तो आप देख सकते हैं कि अपनी कार जो इसके अंदर आराम से जा सकती है, बाकी अगर हमें इजी करना है तो हम इसको और भी पीछे ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर, अब हमें पूरा राइट में नहीं करना, इसको हम राइट में करेंगे, मतलब जहाँ हमें लगेगा कि अब ये नहीं जाएगी और सीधी फिर हम इसको राइट में करेंगे, पहले हम धीरे धीरे इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो अभी राइट में हो चुका और अब वहाँ आप देख सकते हैं ये जो है, अब अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो वहाँ टच होगी 100%। और आप देख सकते हैं जो गेट है वो भी हल्का सा बंद हो गया वो उधर वाला और ये भी थोड़ा सा आगे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और आगे करके कार को रोक के गेट दोबारा खोल के आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और लेफ्ट में लेंगे, ठीक है, पीछे। अब हम क्या करेंगे कि एक बार वो गेट खोल के आते हैं अच्छे से, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाहर से। तो ये आप देख सकते हैं अपनी कार कुछ इस तरह से आधी अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे करके इसको अंदर लेके आना है। अब आप जिस तरीके से इसको देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन हम इस गेट को पूरा खोलेंगे फिर वो जो आप टायर देख रहे हैं वो पीछे वाला, उस टायर के हिसाब से अगर हम जज करते हैं इस पर तो ये बहुत मुश्किल से आएगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, एक बार ये गेट हम खोल देते हैं अच्छे से, ठीक है, आप इसको अंदर लेके आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट गियर में लगा के,
स्टेयरिंग जो हमें को राइट में टर्न कर देना है फुल गेट के हिसाब से। बाकी वो गेट आप देख सकते हैं दोबारा मतलब बंद हो गया क्योंकि आप देख हवा भी चल रही है, तो इसको करते हैं थोड़ी आगे। और अब आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल वहाँ से जो गेट आएगा थोड़ा सा और खुल जाता है, अपनी कार पर टच हो जाएगा इस पॉइंट से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना कम गैप है, मतलब ये आप दीवार देख सकते हैं। और बाकी वो पीछे जो आपको टायर दिख रहा है वो टायर इस पर टच होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट को खोलेंगे अच्छे से फिर अंदर लेके चलेंगे। तो गाइस अब आप देख सकते हैं वो मेरा छोटा भाई आ गया, उसने गेट को पूरा पकड़ लिया है क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही थी। और अब आप देख सकते हैं स्टेयरिंग कितना हमने टर्न कर रखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम इसको कार को अंदर लेके जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ORVM जो बिल्कुल टच होने वाला इधर, और उस साइड जो कॉर्नर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। वो जो आपको हैंडल दिख रहा है ना गेट का, ये जो हैंडल दिख रहा है ये जो है इस पर मतलब बम्पर पे टच हो गया तो बहुत ख़राब स्क्रैच लगेगी। तो अभी इसको हम थोड़ा राइट में कर लेते हैं और ऐसे इसको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं धीरे धीरे। ये आप देख सकते हो ORVM बिल्कुल टच होने वाला है। अब हम थोड़ा जैसे उस साइड से वो हैंडल निकल गया तो रिस्क उधर का ख़त्म हो गया है, अब रिस्क है ये पीछे वाले टायर का। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टच होने वाला है इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब थोड़ा सीधा करके लेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं स्ट्रेट चला रहा हूँ गाड़ी को, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हम इसको राइट में कर देंगे क्योंकि आगे जो है वो सीधी आ जाती हैं। तो इधर से इसको ऐसे राइट में करके, और यह देख सकते पीछे जो है टायर वो भी आ गया आराम से। और स्टेयरिंग जो आप देख सकते हैं ये सीधा है बिल्कुल, और ये थोड़ा राइट में है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मतलब कार जो ऊपर चढ़ने लग गया जो रैंप है इस पर, ठीक है। यहाँ से वो करते हैं ऊपर, टाइट स्पेस पार्किंग मतलब बहुत हार्ड होती है। तो ये आप देख सकते हैं जो कार है वो अपने अंदर आ चुकी है। पीछे आप स्पेस देख सकते हैं कितना है, ठीक है, और इस साइड भी देख सकते हैं। और सामने आपको दिख रहा है कि कार अपने अंदर आ चुकी है, इस मिरर में भी आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है। अब इसको ऊपर कर देते हैं हम। ये अपनी कार जो है अंदर आ गई है बिल्कुल आराम से। अब मैं आपको एक बार बाहर चल के और दिखा देता हूँ। जी आप देख सकते हैं हमारी कार पहले यहाँ खड़ी हुई थी, उसके बाद हम उसको पीछे लेके गए और यहाँ इस पॉइंट से हम उसको टर्न करके, ये आप टायर देख सकते हैं कहाँ से आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं टायर के निशान है, ठीक है। और टायर बिल्कुल इस गमले के पास से है। उसके बाद इस पर मिट्टी भी आप देख सकते हैं टायर नहीं गया है। ये जो है ये पिछला टायर है, ये सुबह का जब मैंने कार बाहर निकाली थी, ठीक है। और उसके बाद ऐसे हम इस पॉइंट से टर्न करके, एक यहाँ आपको जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक उस पॉइंट पे पड़ेगी क्योंकि हमें दोबारा कार टर्न करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है ये गेट वगैरह इनकी, फिर आप देख सकते हैं अपनी कार बिल्कुल अंदर आराम से आ गई है क्योंकि स्पेस पूरा है। बट ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ, ये जो स्पेस है ये कम है, और अगर ये गमला नहीं होता तो ये यहाँ से भी थोड़ी सी ऊपर से आ सकती थी, बिल्कुल एक बार में अंदर जा सकती थी, ठीक है। तो गाइस एक वीडियो और बनानी है मेरे को अभी, जिसमें मैं इसको रिवर्स करके लेके आऊँगा, वो अगली वीडियो आएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको उसमें इजी लगे तो आप उस तरीके से मतलब आप इसको अंदर पार्क कर सकते हैं। तो मैं एक बार वो वीडियो शूट कर लेता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी जो अगली वीडियो आएगी रिवर्स पार्किंग की, वो इसी चैनल पर आएगी, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय।